सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यही इस उक्ति का सार है। सत्य क्या है? यह एक सरल व सीधा सा सवाल है जिसे सभी जानते हैं, मानते हैं, पर उसे अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करते, क्योंकि वे इसे एक प्राचीन संस्कृति अवधारणा या पुराने विचार नामों से परिभाषित कर इसका तिरस्कार करते हैं। आधुनिक युग में तो इसे आउट ऑफ फैशन माना जाने लगा है। सत्य का रूप जीव जगत ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रकृति, किस किस का नाम लें, जिधर देखें उधर ही केवल सत्य ही नजर आता है। सत्य वो तत्व है जिसकी सत्ता समाप्त हो जाने पर कोई भी जीव निर्जीव व निष्प्राण हो जाता है। जब हम अपने कर्मों द्वारा सत्य को जीवन में मान्यता देते हैं, वही शिव कहलाता है। सभी प्राणी कर्मों द्वारा ही विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। इसका अर्थ हुआ संपूर्ण जीवन का आधार केवल कर्म ही तो है। सारी सृष्टि ही तो कर्म के बंधन में बंधी हुई है। जिसे देखो वही कर्म करता दिखता है। कर्म ऐसा हो जो किसी भी प्राणी को हानि ना करे, कष्ट ना पहुंचाए, तभी वह कर्म आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाला होगा, वही कर्म सुंदर भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सभी प्राणी ईमानदारी से केवल अपने कर्मों को थोड़ा विवेक पूर्ण तरीके से करें, तो आज जो विश्व में तांडव हो रहा है वह रुक जाएगा। सभी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होंगे और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।